ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है चार ढेरिया। एक राजा था, उसके पास कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था और संतों के सत्संग में अधिक समय देता था और कुछ कमाता वगैरह नहीं था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों नहीं इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये तो निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता, कुछ कमाता भी नहीं और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफ़ी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से चार ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने तीन ढेर के रेती के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर सकते हैं। यह देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुमने किया क्या है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये पहली ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी है राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा राजा का धर्म होता है, क्योंकि राज्य की प्रजा उसके संतान के समान होती है। परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी है राजन मेरे ईश्वर की है, अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसलिए क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी अहित नहीं हो सकता। संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। अच्छा, ओम शांति।